हरबंसपुरा लाहौर में गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया की जद में आ गया। पटवारी हलका ने आंखें बंद कर ली। मौजा हरबंसपुरा में प्राइवेटेट ने सरकार चलाना शुरू कर दी। हरबंसपुरा में कमिश्नर लाहौर डिवीजन जुल्फकार घुमन और एंटी करप्शन लाहौर के नाम पर लोगों को हरासा किया जाने लगा। बताया गया है कि एसी शालामार मेहदी मलूफ ने नायब तहसीलदार गरदावर एडिशनल पटवारी की को खुली छूट दे रखी है। हरबंसपुरा में सरकारी जमीनों पर कब्जों के लिए प्राइवेट लोग रख लिए, जो प्राइवेट तौर पर गैर कानूनी तामीरात का सर्वे करके वहाँ ऑपरेशन प्लान करते हैं। जराय ने बताया कि प्राइवेट लोगों ने एडिशनल पटवारी की मिली भगत से 30,000 रुपए फी मरला कब्जा सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड का रेट तय कर दिया। जराय ने बताया कि एडिशनल पटवारी ने लाहौर और बंसपुरा में सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जों, नाजायज तामीरात और रिकॉर्ड में रद्दो बदल के लिए तजर्बा कर मुंशियों मावनत हासिल की है। इनमें ऐसे लोग भी शामिल है जो हरबंसपुरा में लैंड माफिया को जाली टीओ, जाली इंतकालात और जाली फर्दे बनाकर देते रहे। हरबंसपुरा में 10 साल के बाद एक बार फिर लैंड माफिया का दस्ते रास ग्रुप तैनात होने में कामयाब हो गया। एसी शालामार मेहदी मलूफ, जो कब्जा ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन में बड़े सरगर्म नजर आते हैं, इन्होंने भी न जाने कौन सी मसालियत के तहत सब अच्छा की रिपोर्ट पर इत्तफाक शुरू कर दिया। हरबंसपुरा में अब भी दर्जनों तामीरात का सिलसिला जारी है।